बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये जो आपको मैं सोलर प्लेट दिखा रहा हूँ, ये आप नीचे से ऊपर देखें। सबसे बड़ा तूफ़ान आया हुआ था हैदराबाद में, और उसकी वजह से ये मेरी दोनों सोलर प्लेट जो थी टूट गई थी। ये आपको पता है ये कहाँ रखी हुई थी? ये मैंने, ये देखो सारी टूटी हुई है, ये देखें आप। अब इसकी डिटेल में बता रहा हूँ। तूफ़ान की वजह से सोलर प्लेट यहाँ रखी हुई थी ऊपर, लकड़ी का स्टेट बना हुआ था उसके ऊपर हमने रखी हुई थी, ठीक है भाई। और इनके ऊपर हमारी मुर्गियाँ बैठती थी, और इससे बड़ी प्लेट भी थी हमारी, वो भी टूट चुकी है। मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत हमारा नुकसान हुआ, और जो मुर्गियाँ इसके ऊपर बैठती थी, मैं उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ क्या हुआ, वो मुर्गियाँ कहाँ गई। चलते हैं दूसरी प्लेट की तरफ। तो ये हमारी दूसरी प्लेट है, सोलर प्लेट। ये बिल्कुल टूट चुकी है। जो ये मैंने इसके ऊपर गत्ते रखे हुए, इसलिए रखे हुए तो ये सीधी हो जाए, किसी काम आ जाए, ठीक है भाई। तो ये तूफ़ान जो आया हुआ था बहुत ख़तरनाक था, इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद मेरी दोनों सोलर प्लेटें टूट गई। जैसे ही दोनों सोलर प्लेट टूट गई, जैसे सोलर प्लेट के ऊपर हमारी मुर्गियां बैठती थी, बहुत तेज़ एक तूफ़ान आया। जैसे एक प्लेट तो हमारी उड़कर चली गई, पता ही नहीं लगा कहाँ चली गई। जो मुर्गियाँ उसके ऊपर बैठती थी, अभी भी ये देखें आप बैठती हैं, नीचे पड़ी है फिर भी इनको आदत पड़ गई है, क्योंकि गर्मी थी। मैं इनको खुला छोड़ देता, ये ऊपर जाके सोलर प्लेट के ऊपर बैठ देती थी। और बैठने के बाद हमारे साथ जो हुआ, मैं वो आज बताने वाला हूँ। आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको डिटेल के साथ मालूमात मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये सारी हकीकत में, यहाँ ये सोलर प्लेट ऊपर रखी हुई थी, तो ये मसला पेश आया। जैसे ही ये सोलर प्लेट के ऊपर मुर्गियाँ बैठी हुई थी, बहुत बड़ा तूफ़ान आया और मुर्गियों को उठा के ले गया। अभी तक मुझे वो 4-5 मुर्गियाँ नहीं मिली, वो मुझे बहुत सारा दुख हुआ, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ और मेरी मुर्गियाँ भी तूफ़ान लेके चला गया। तो आसपास में मैंने बहुत जगह पे देखी हुई है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं मिला मुर्गियों का, नहीं सोलर प्लेट का। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी जगह अपनी मुँह सोलर प्लेट लगाएं जहाँ आपका नुकसान ना हो, और उसके ऊपर आपकी मुर्गियाँ बैठती हैं तो उनका ध्यान रखें अच्छी तरह, वरना ये आपका नुकसान हो सकता है। तूफ़ान ऐसी चीज़ है, मुर्गियों को उठा के ले जाता है, उसमें क्या होता है, मुर्गी 2 किलो की 1 किलो की होती है, तो इसमें अगर 5-10 किलो वज़न है वो भी चला जाता है। यार मेरी मुर्गियाँ तो छोटी थी, 5 किलो की, लेकिन पता ही नहीं चला वो तूफ़ान मुर्गियाँ लेके चला गया। तो ये सारी हकीकत है, और सोलर प्लेट मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है भाई। इसी तरह आप अपनी मुर्गियों का और अपनी प्लेट सोलर प्लेट का ध्यान रखें। ये अचानक तूफ़ान आता है और पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ ले जाता है।